जो बच्चे इंटर पास किए हैं वो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इंटर के बाद करियर की राह शुरू होती है। इंटर तक जो है आप मार्क्स की दौड़ में हो, आप इस बात को मानो ना मानो, आप हर सब्जेक्ट को मार्क्स के लिए पढ़ते हो। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो सिर्फ उतना ही पढ़ते हो कि कितना एग्जाम में आएगा, कौन चीज आ चुका है, कौन नहीं आएगा, कौन सिलेबस में है, कौन सिलेबस के बाहर है, क्या सिलेबस के बाहर है। लेकिन इंटर के बाद जब आप कॉलेज में आते हैं तो यहां से आपकी करियर की तैयारी शुरू होती, करियर की राह शुरू होती है। जॉब ओरिएंटेड होती है स्टडी, अब मार्क्स ओरिएंटेशन खत्म हो जाता है। और आपको जॉब, आपको पढ़ाई वो करनी चाहिए जो आपके जॉब में काम आए। बच्चे इंटर के बाद ग्रेजुएशन में भी ऐसे ऐसे सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं जिन सब्जेक्ट्स का उनके फ्यूचर जॉब से कोई कनेक्शन नहीं है। जो भविष्य में काम करना है वो कुछ और है, और जो ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं वो कुछ और है। लेकिन जब आप बीबीए की पढ़ाई करते हैं, आप वहां पर अकाउंटिंग सीखते हैं, मार्केटिंग सीखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सीखते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट सीखते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट सीखते हैं, ये सारा कुछ प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ भी थ्योरी नहीं है। जो थ्योरी है उसको इंप्लीमेंट करना है प्रैक्टिकली। आप बीसीए या बीएससी आईटी की पढ़ाई करते हैं, आप सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, जावा सीख रहे हैं, विजुअल बेसिक सीख रहे हैं, एएसपी सीख रहे हैं, पीएचपी सीख रहे हैं, पाइथन सीख रहे हैं, ये सब के सब एप्लीकेशन लैंग्वेज है, ये सब कुछ प्रैक्टिकल है। और इस प्रैक्टिकल का आपको आपके जॉब में काम आना है, वहां जरूरत पड़नी है इन चीजों की। तो अगर आप ऐसे विषय पढ़ रहे हैं जिसका आपके भविष्य के जॉब में काम आना है तो बहुत आपको फायदा होगा। अब इंटर के छात्र कोर्स चूज करते हैं, कॉलेज चूज करते हैं, मैं तो कहूंगा कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं कॉलेज के बाद, आप अपने आप को जीवन में कौन सा काम करते हुए देखना चाहते हैं, आप वो काम चूज करो। और जब आप वो काम चूज करोगे तो उसके हिसाब से कोर्स चूज करो। आप चाहते हो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर बने, आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोर्स बीसीए करो, बीएससी आईटी करो, आप बीटेक कंप्यूटर साइंस करो। आप सोचते हैं कि हमको लैब में, पैथोलॉजी लैब में जांच परखने का काम करना है, हमको टेस्टिंग वेस्टिंग का काम करना है, खून का जांच और मलमूत्र का जांच, आप पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं, फार्मेसी के कोर्सेज जो दवाइयों के लिए होते हैं वो सब करो। आप, आपको मरीजों का इलाज सेवा शुश्रूषा करने का मन है, आप नर्सिंग में जाओ। आपको जो काम करने का मन है वो काम आप सोचो और फिर वो कोर्स आप करो। अगर आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर कंपनी में, भारत में आज हमारे स्टूडेंट जो हैं, आपने जो बात कही कि बच्चे हमारे जो प्लेसमेंट पाए हैं, हमारे बच्चे आज यूएस में, टेक्सास में, डलास में, और उसके अलावा यूके में, लंदन में, निशी जो है वो लंदन में रैकस्पेस में काम कर रही है, राहुल जो है वो रैकस्पेस लंदन में काम कर रहा है, इनका पैकेज 1,10,00,000 से ऊपर है। हमारी बच्ची रुचिका इसको माइक्रोसॉफ्ट में डलास में काम कर रही है, समीक्षा गुप्ता टेक्सास में काम कर रही है, हमारा बच्चा चंद्र प्रकाश जो है वो एसेंचर में 80,00,000 के पैकेज में दुबई में काम कर रहा है। तो पूरे ग्लोब में आज हमारे बच्चे फैल गए हैं, और भारत में ऐसा कोई शहर नहीं है, चाहे वो बैंगलोर की बात करें, पुणे की बात करें, हैदराबाद की बात करें, नोएडा गुड़गांव की बात करें, या फिर आप कोलकाता की बात करें, भुवनेश्वर की बात करें, इंदौर की बात करें, जयपुर की बात करें, मैं हर शहर में आपको ब्लड अरेंज करवा सकता हूं, क्योंकि हर शहर में मेरा सिमेजियन जॉब कर रहा है। अगर मेरा नया स्टूडेंट वहां जाता है जॉब के लिए तो कहां फ्लैट लेना है, कौन से एरिया में रहना है, खाना पीना का बंदोबस्त कैसा करना है, बताने के लिए उसका सीनियर वहां पर मौजूद है। और मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, दिल्ली का अलग व्हाट्सएप ग्रुप है एनसीआर का पूरा, और बैंगलोर का अलग ग्रुप है, हैदराबाद का और पुणे का अलग ग्रुप है। तो मैं जब भी कभी इन शहर में जाऊंगा तो मेरे को वहां पर बच्चे मिल जाते हैं बहुत सारे, और हमने दिल्ली में और बैंगलोर में अपना एलुमनाई मीट हम लोग वहीं जा करके किए। तो ये जो एक व्यवस्था हम बना पाए हैं इस पर हमको गर्व होता है, फक्र होता है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये और आगे बढ़े। मेरे स्टूडेंट जो हैं वो भारत के तो सब शहरों में पहुंच गए हैं, विश्व के शहरों में थोड़े बच्चे पहुंचे हैं, और बच्चे पहुंचे, और वो सिर्फ जहां जाएं बिहार का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, जब देश के बाहर जाएं तो उनकी प्रतिभा के बल पर, उनकी मेहनत को देख करके उनका गोरा बॉस भी उनकी तारीफ करे, और वो बोले कि बिहार का स्टूडेंट जो होता है वो मेधावी भी होता है और मेहनती भी होता है।